हेलो 9th क्लास, द पोयम नंबर 5th, अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड रिटन बाय फॉयबे कैरी इज गोइंग ऑन। यस्टरडे वीडियो वी हैव टेकन 6 स्टेंजा ऑफ द पोयम। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 7th पैरा। सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले सी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव। अब क्या होता है, अतः उस वृद्ध ने एक बहुत छोटी सी रोटी बनाई, पर जब वह रोटी चूल्हे पर सेक रही थी तो उसने इस रोटी की ओर देखा। उसे वह रोटी इतनी बड़ी दिखाई दी कि उसको भिक्षा में नहीं दिया जा सकता था। डियर फोरमन, इसलिए सी नीडेड अनदर एंड ए स्टिल अ स्मॉलर वन, बट इट लुक्ड वन सी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। अतः उस वृद्ध महिला ने आटे का एक दूसरा पेड़ा बनाया जो अपेक्षाकृत छोटा था, पर जब उसने उस पेड़े को उलटकर देखा तो वह पहले पेड़े जितना बड़ा दिखाई दिया, यानी कि उससे भी बड़ा दिखाई दिया। देन सी टुक अ टिनी स्क्रैप ऑफ डक एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन एज वेफर, बट सी कुड नॉट पार्ट विद डैट। तब उस वृद्ध महिला ने आटे का एक बहुत छोटा पेड़ा बनाया और उसको बेलकर चपटा किया, उसको सेका तो वह बहुत पतली रोटी के रूप में बना दिया था, पर वह उसको भी संत को नहीं दे पाई। बट सी कुड नॉट पार्ट विद डैट का मतलब, लेकिन उस रोटी को भी वह उसको दे नहीं पाई। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। कहा गया कि क्योंकि वृद्ध महिला ने कहा, जब मैं अपनी बनाई हुई रोटियों को खाती हूँ, नहीं ऊपर वाला स्टंजा है, फॉर सी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल वन आई ईट ऑफ दम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो सी पुट दम ऑन द सेल्फ। क्योंकि वृद्ध महिला ने कहा, जब मैं अपनी बनाई हुई रोटियों को खाती हूँ तो वे मुझे बहुत छोटी प्रतीत होती हैं, फिर भी वे इतनी बड़ी होती हैं जिनको भिक्षा में नहीं दिया जा सकता, इसलिए उसने रोटियों को कहाँ रख दिया, सेल्फ के ऊपर रख दिया। इतना करने के बाद देन द गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट एंड श्योरली सच वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। तब सीधा साधा जो संत पीटर था नाराज हो गए, क्योंकि वह भूखे थे और मूर्छित थे, और निश्चित रूप से ऐसी महिला एक संत को नाराज करने के लिए पर्याप्त थी। एंड ही सेड, अब संत ने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन द ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। संत ने श्राप दे दिया उस वृद्ध महिला को, कहा कि तुम इतनी अधिक स्वार्थी हो कि तुम्हें मानव में रूप में रहना नहीं चाहिए, यानी कि तुम्हें मानव के रूप में रहने का कोई हक नहीं है, तुम भोजन और रहने के मकान और तपने के लिए आग पाने के अधिकारी नहीं हो। ये बात संत पीटर ने अपने गुस्से में कही। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट यूर स्केंटी फूड By boring and boring and boring all day in the hard dry wood। अब तुम्हें अन्य पक्षियों के समान जीवन यापन करना पड़ेगा और सूखे वृक्षों में सारा दिन जो है परिश्रम करके सुराग बनाकर थोड़ा भोजन प्राप्त करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप क्या करोगे, अब श्राप कैसा दिया कि दिन भर तुम क्या करोगे, एक पेड़ में सुराग करोगे और दिन भर परिश्रम करने के उपरांत तुमको थोड़ा सा भोजन प्राप्त होगा। यानी कि जैसा वुड पैकर जो पक्षी होता है, वो दिन भर क्या करता है, बोरिंग करता है, ड्राईवुड मने सूखी लकड़ी के ऊपर बोरिंग करता है, फिर बड़ी मुश्किल से उसको भोजन प्राप्त होता है। देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी नेबर स्पीकिंग अ वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्ल्यू अ वुड पैकर फॉर सी वॉज चेंज टू अ बर्ड। संत ने उस वृद्ध महिला को एक पक्षी के रूप में बदल दिया और वृद्ध महिला ने एक भी शब्द नहीं बोला, वह चिमनी के रास्ते से होते हुए उसके बुर्ज पर जो है कठफड़ुए के रूप में उड़ गई। सी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। उस वृद्ध महिला के सिर पर जो लाल टोपी थी, वह लाल टोपी उस कठफड़ुए के सिर पर उसी तरह से बनी रही, पर उसके शेष कपड़े जो हैं ज्वाला में जलकर कोयले के समान काले हो गए। कैसा होता है वुड पैकर, सर में हल्का लाल टोपी जैसा होता है उसके, और बाकी पूरा काला होता है।
And every country schoolboy has seen her in the wood where she lives in the tree till this very day, boring and boring for food. प्रत्येक ग्रामीण स्कूल के लड़के ने जंगल में उस कठपुड़े को देखा है, आज भी वह जंगल में क्या करता है, पेड़ों में रहती है कठपुड़वा जो है वो वृद्ध मेला को जिसमें बदला था और पेड़ों में सुराख करके अपना भोजन प्राप्त करती है। तो यहाँ से कुछ वर्ड मीनिंग होंगे, सीम्ड का मतलब होता है प्रतीत होना, यहाँ पर आया है आपको वर्ड ढूंढने में, यहाँ से बोल रहा हूँ, सीम्ड मीनिंग क्या होता है प्रतीत होना, टू गिव अवे एक नीचे उसी के शब्द है उसको बोलते हैं क्या भिक्षा देने के लिए, यानी कि टू गिव इन अल्म्स। उसके बाद नीडेड है, नीडेड मीनिंग होता है बनाना, बनाना का मतलब रोटी को बनाना, नीडेड नीडेड ने अंदर लिखा, नीडेड मीनिंग बनाना, मेड। टिनी मीनिंग होता है छोटा, स्कार्फ ऑफ डक बोलते हैं, डो गुदे हुए आटे का पेड़े को बोलते हैं डो, स्कार्प डो। रोल्ड इट फ्लैट बोलते हैं बेलकर चपटा करना। वेफर में होता है बहुत पतली, पार्ट विद लिखा है, पार्ट विद का मतलब त्यागना होता है। सेल्फ का मतलब ताक, प्रभोक प्रवोक लिखा है, प्रवोक का मतलब होता है मेक एंग्री करना। सेंट आप जानते हैं कल बताया था, संत को बोलते हैं। फॉर फार टू सेल्फिश बोलते हैं अधिक स्वार्थी होना। ड्वेल मीनिंग होता है रहना, DWELL यहाँ पर आया है ड्वेल, ड्वेल मीनिंग क्या होता है रहना। उसके बाद फॉर्म है, फॉर्म मने होता है आपका सेफ यानी कि आकृति को बोलते हैं। शेल्टर मने होता है मकान, आवास को कहते हैं। बिल्ड मने होता है घोंसला बनाना। स्कैंटी मने होता है थोड़ी मात्रा में, स्कैंटी फूड मने थोड़ी मात्रा में। बोरिंग का मतलब होता है सुराग बनाना, इधर बोरिंग आया है, बोरिंग का मतलब सुराग बनाना। उसके बाद थ्रो, थ्रो का मतलब द्वारा, बाय भी होता है थ्रो, ठीक है ना, यानी कि थ्रू। थ्रू का मतलब होता है मूविंग इन वन साइड एंड आउट ऑफ द अदर साइड, इसको बोलते हैं थ्रू, उससे होकर गुजरना। वुड पैकर है, वुड पैकर आप जानते हैं, मैंने बोला आपको कठफड़वे को बोलते हैं, जो पक्षी होता है दिन रात क्या करता है बोरिंग करता है कहाँ, सूखी हुई लकड़ियों में, ठीक है ना। उसके बाद आपका इधर कुछ वर्ड हैं, स्कारलेट, स्कारलेट में लाल रंग को बोलते हैं। बर्न में होता है जल कर जाना, फ्लेम में नहीं होता है ज्वाला या लौ। वेरी वेरी लिखा है, वेरी में होता है यथार्थ। कुल मिला के स्टोरी हमारी फॉइबे कह रही की ख़त्म हो गई है। अब बैलेट इज अ सॉन्ग नरेटेड, नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजा। वेलेट किसको बोलते हैं, एक गीत होता है जिसको स्टोरी के रूप में क्या किया जाता है, छोटे छोटे स्टेंजों में विभाजित किया जाता है। वेलेट्स आर अ पार्ट ऑफ फॉल्क कल्चर इन पॉपुलर कल्चर एंड आर पास्ड ऑन द अर्ली फ्रॉम अ जनरेशन टू द नेक्स्ट। द लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज अ वेलेट। ये क्या है, हमारी जो पोयम है इसको वेलेट कहते हैं। वेलेट को क्या बोला जाता है, अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी, यानी कि ऐसा गीत जो कहानी के रूप में डाइवर्ट किया गया हो उसको बोलते हैं वेलेट, ठीक है ना। कुछ वर्ड इधर भी हैं, लीजेंड मैंने बताया है, सेंट पीटर और प्रोबुक मैंने बता रखे हैं, ठीक है ना। इसके आपको क्या करना है, वर्ड मीनिंग करने हैं, यानी कि वर्ड मीनिंग और सिनोनियम लिख पाओगे तो सिनोनियम भी लिखने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको क्या भेजेंगे, हम क्वेश्चन आंसर भेजेंगे, ठीक है।